फंक्शन इफ फंक्शन इज यूज टू चेक ए कंडीशन इफ कंडीशन और लॉजिकल टेस्ट इज ट्रू देन इट रिटर्न ट्रू वैल्यू अदरवाइज रिटर्न फॉल्स वैल्यू विच वी प्रोवाइड इन दंक्शन क्या मतलब है इफ फंक्शन में तीन वैल्यूज हम पास करते हैं फर्स्ट एक कंडीशन होती है सेकंड एक नॉर्मल वैल्यू है थर्ड एक और नॉर्मल वैल्यू है अगर यह कंडीशन ट्रू होती है तो यह फंक्शन रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू यहां जो हमने दी है जो एज ए सेकेंड वैल्यू यहां पास करिए अदरवाइज यह रिटर्न करता है फॉल्स वैल्यू बेटर है हम एक एग्जांपल देखें इसके लिए यहाँ मैंने एक टेबल ली है जिसमें फर्स्ट कॉलम में ऑर्डर नंबर से, सेकंड कॉलम में डिलीवरी डेट है और थर्ड कॉलम में फंक्शन यूज किए तो यहाँ पे जो मैंने पहला फंक्शन यूज किया पहले सेल के अंदर वो है इफ फंक्शन को यूज किया और उस इफ फंक्शन के अंदर मैं पहली वैल्यू पास कर रहा हूं जिसको हम लोग ना यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स पास करना फंक्शन को वैल्यू पास करना मीन्स आर्ग्यूमेंट पास करना तो ये फंक्शन पहली वैल्यू क्या ले रहा है एक और फंक्शन ले रहा है यहां मैंने एक और फंक्शन पास किया जो है इज ब्लैंक फंक्शन इज ब्लैंक फंक्शन क्या करता है किसी पर्टिकुलर सेल में चेक करता है क्या वो सेल ब्लैंक है यानी एम्प्टी है या नहीं है और रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स वैल्यू तो इस ब्लैंक फंक्शन में मैंने पास किया क्या बी सेवन ये वाला सेल तो क्या ये ब्लैंक है इस ब्लैंक फंक्शन ये देखिएगा कि अगर ये एम है खाली है तो रिटर्न करेगा ट्रू अदरवाइज फॉल्स तो यहां पे ये एम है नहीं इसमें ऑलरेडी एक डिलीवरी डेट है तो ये क्या रिटर्न करेगा फॉल्स अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो इफ फंक्शन यहां पे आई हुई वैल्यूज के बेस पे यह वैल्यूज रिटर्न करेगा तो अगर यह ट्रू है तो इफ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा डिलीवर्ड वैल्यू इफ ट्रू अगर यह फॉल्स है तो इफ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा नॉन डिलीवर्ड यह मैंने खुद टाइप करी हुई वैल्यूज हैं ठीक है डबल अपॉस्ट ऑफ के अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमा में देनी होंगी ये सेकेंड और थर्ड वैल्यू क्या ये सही है नॉट डिलीवर्ड बट ये डिलीवरी डेट है यहां पे दी हुई तो एक्चुअल में मैंने क्या गड़बड़ कर दी एक वैल्यू गलत दे दी तो यहां पे वैल्यूज मुझे क्या देनी चाहिए थी मैं ये चेंज कर सकता हूं नॉट डिलीवर्ड और यहां पे वैल्यू डिलीवर्ड वो क्यों कि अगर तो इसमें डिलीवरी डेट हो तो यहां लिखा क्या है डिलीवर्ड अगर डिलीवरी डेट ना हो तो क्या लिखा है नॉट डिलीवर्ड अब ये फंक्शन जो मैंने ऊपर चेंज किया इसको मैंने नीचे कॉपी नहीं किया अगर मैं कंट्रोल सी दबा के कॉपी करना चाहूं कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट कर दू देखो तो यह नॉन डिलीवर्ड सही आ गया ना या मैं ये जो प्लस का हैंडल है यानी कॉपी हैंडल है इस पे माउस का लेफ्ट बटन दबा के नीचे की तरफ ड्रैग करूं लेफ्ट बटन दबाए तो ये देखो कॉपी हो गया वैल्यूज सही आ गई जिसमें डेट है डिलीवर्ड है डेट है डिलीवर्ड है डेट नहीं है यानी डिलीवर्ड नहीं है तो फंक्शन अलग अलग में को चेक करके हमें वैल्यूज रिटर्न करता है अब यहां पे हम कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं नॉट डिलीवर्ड डिलीवर्ड की जगह हम अपनी कोई वैल्यूज दे सकते हैं क्या यहां पे मैं फंक्शन की जगह पे कोई और कंडीशन ले सकता हूं फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां पे लेता हूं बी सेवन टाइप कर लेता हूं बी सेवन क्या ग्रेटर देन है या बी सेवन की बजाय मैं ये ले लेता हूं ये ठीक है ये ग्रेटर देन है वन लैख से या टेन लैक्स ,00 से क्योंकि ये देखिए टेन लैख से ऊपर की वैल्यू है ठीक है चलो मैं इसको चेक करता हूं नॉट डिलीवर्ड देखिए जब नीचे कॉपी करके क्या ये फंक्शन सी तरह से काम कर रहा है नॉट डिलीवर्ड नॉट डिलीवर्ड नॉट डिलीवर्ड मैंने इसको चेक किया यहां पे पहली कंडीशन में क्या दिया था a7 क्या 10 लैक्स ,00 से ग्रेटर देन है अगर ग्रेटर देन है तो नॉट डिलीवर्ड है अगर ग्रेटर देन नहीं है तो डिलीवर्ड है जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ना एक ये वाली वैल्यू ले लेता हूं कॉपी करता हूं यहां जाता हूं और यह डाल देता हूं जैसे कि मैं ऑर्डर नंबर एक पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर से ऊपर की वैल्यू चेक कर रहा हूं क्या ए सेवन के अंदर वैल्यू इस ऑर्डर नंबर से ऊपर की है तो यहां पे लिख देता हूं अगर है तो ऑर्डर वैलिड है वैलिट ऑर्डर अदरवाइज यहां पे लिख देता हूं नॉट वैलिड सॉरी नॉट वैलिड ऑर्डर यहां कॉपी कर दिया ध्यान से देखो ये वैल्यू इसमें ऑर्डर नंबर थर्टी फाइव था ये लेस देन है फिफ्टी सिक्स से क्योंकि ये वैल्यू इससे छोटी है तो नॉट वैलिड नॉट वैलिड नॉट वैलिड आया ये वैलिड 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 आया ठीक है ये नॉट वैलिड आया ये वैलिड आया पे जो मैंने टेस्ट यूज किया यानी मैंने condition लगाई वो उसमें greater than लगाया तो क्या मैं यहां बीच में टू साइन भी लगा सकता हूं यस yes. अब ये दो कंडीशन चेक करेगा क्या ए सेवन ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू इसके है इस वैल्यू के ध्यान से देखना इसका रिजल्ट क्या होगा जब मैं अभी इसको कॉपी कर देता हूं नीचे कॉपी यहां देखो वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी ये एक वैल्यू थी और वैलिड हो गई क्योंकि यही वैल्यू मैंने यहां यूज करी थी फंक्शन में तो पहले इक्वल टू का साइन नहीं था ग्रेटर देन चेक कर रहा था तो वो जब इस फंक्शन यहां पे आता था वो फंक्शन कॉपी होके जब मैं कॉपी करता था तो सिर्फ ग्रेटर देन चेक करता था तो यही वैल्यू इसके इक्वल नहीं हो पाती थी यानी कंडीशन में हमारे चेक होती थी कि ये ग्रेटर देन है इस वैल्यू के और यही सेम वैल्यू है जिसके अगेंस्ट हम चेक कर रहे हैं तो यहां पे ए ग्रेटर देन की कंडीशन ट्रू नहीं हो पाती थी तो रिजल्ट क्या आता था नॉट वैलिड तो अब इक्वल टू की कंडीशन भी लगा दी तो जहां किसी भी सेल में वैल्यू इस ऑर्डर नंबर के इक्वल होगी तो वो वैलिड हो जाएगी तो बेसिकली हम इफ फंक्शन को ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस में यूज करते हैं जहाँ पे हमने कोई कंडीशन चेक करनी हो और उस कंडीशन के चेक करने के बाद जो आने वाली वैल्यू है वो है ट्रू फॉल्स उसके बेस पे हमें किसी सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर यानी एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हमें कुछ ऐसी वैल्यूज चाहिए जो हमें क्लियर कर सकें कि वो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है पर्टिकुलर कॉलम और उसके कॉलम की सेल्स की वैल्यूज तो इस कॉलम के सेल्स की वैल्यूज एक पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल कर रही है तो यहां पे वो वैल्यूज है अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखने पे हमें नहीं पता लग रहा कि ये इनमें से कौन सी वैल्यू वन टू फोर फाइव जीरो फोर फाइव सिक्स से बड़ी है या इसके इक्वल है बट यहां हमें पता लग रहा है इनवर्स नॉट वैलिड ऑर्डर वैलिड ऑर्डर वैलिड ऑर्डर वैलिड ऑर्डर तो ये कंडीशन लगा के हमारे लिए ईजी हो गया ये जानना कि कौन सा ऑर्डर नंबर उस पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर से बड़ा है या का छोटा है तो उसी तरह से हमने नॉट डिलीवर्ड और डिलीवर्ड की कंडीशन यहां लगाई थी तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूं अंडू कर देता हूं कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड वापस ले आते हैं आ, ये आ गया नहीं अभी भी थोड़ा सा रहता है चलो हम यहां पे वही वापस ले आते हैं कंडीशन इज ब्लैंक फंक्शन इज ब्लैंक ब्रैकेट में डिलीवर्ड वाला सेल B7 सेवन तो अब हम इसको नीचे कॉपी करते हैं ठीक है फंक्शन को अब ठीक हो गया ओके okay. तो ये था ये फंक्शन आप इसको यूज करिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच